तो में बंधुओं का दर्दनाक मौत हुई है, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, उसको मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन उनको किसने मारा किसने नहीं मारा यह खोजबीन की बजाय राजस्थान सरकार सीधा बजरंग दलियों को विश्वदोष वालों को आरोप लगा रही है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि उनमें वो अपराधी हैं कि नहीं है, लेकिन मोटा मुद्दा ये है कि मैंने सीएम साहब को पत्र भी लिखा, कहा भी है कि अगर मेवात में गौ तस्करी और गोकृषि बंद हो जाए तो ये जो दर्दनाक घटना है ये भी नहीं होंगी। इन दर्दनाक घटनाओं का हमें भी दुख है, लेकिन इसके बारे में सही बात सही SIT जांच करे, SOG करे, IB करे या CBI करे, ये सही जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक राष्ट्रीय नेता है OBC महोदय, वो अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं और उस अनर्गल बोलने वाले व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और एक जमात विशेष मुसलमानों को भड़काते हैं, मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, क्यों और कैसे उसके पीछे सबब क्या है, कौन को जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए। और ये दंगा शक्ति प्रदर्शन उनके भी हित में नहीं है, पार्टी के भी हित में नहीं है। जो अपराधियों पे कंट्रोल कर सकता है और जो लव जिहाद और जमीन जिहाद को कंट्रोल कर सकता है, जो इन आतंकवादियों में कंट्रोल कर सकता है, इन जो अपराध हो रहे हैं इन सबको रोक सकता है, ऐसे दमदार व्यक्ति को पार्टी ने टिकट देना चाहिए, जो भी कोई हो, पार्टी का प्रांत का केंद्र का सर्वे चल रहा है। इतना मैं आपके बीच में एक हिंट दे रहा हूँ।